अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। एज़ वी ऑल नो कि पिछली सीरीज़ में हम मोबाइल कंप्यूटिंग की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, उसमें मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू दैट बेसिकली मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या होता है और इसमें हम लोग करते क्या हैं। तो देखो, यहाँ पर मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ थ्री वर्ड्स। हमारे पास एक वर्ड है मोबाइल, दूसरा क्लाउड एंड तीसरा कंप्यूटिंग। अगर हम लोग इनकी सेपरेटली मीनिंग देखें तो मोबाइल हमारे पास अ सच टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे पास पोर्टेबल डिवाइस है। ये चीज़ क्लियर हुई। क्लाउड की मीनिंग देखें तो क्लाउड इज़ बेसिकली अ स्टोरेज, एक ऐसी स्पेस या ऐसा स्टोरेज जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेस या अपनी फाइल्स या कुछ भी जो है वो स्टोर कर सको। एक टाइप का स्टोरेज है क्लाउड, ठीक है। और कंप्यूटिंग का मीनिंग देखें तो कंप्यूटिंग मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग, टू प्रोसेस समथिंग और टू ऑपरेट समथिंग। ठीक है, सेपरेटली मीनिंग तो हमने तीनों की देख ली, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इन तीनों को मर्ज करके इनका कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करें तो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्चुअली क्या होता है कि मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होता है। जब हम मोबाइल कंप्यूटिंग को और क्लाउड कंप्यूटिंग को आपस में मर्ज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आता है वो आता है हमारे पास मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, तो देखो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग करते क्या है, इट इज़ बेसिकली अ इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों आउटसाइड पर होती है। कहाँ पर होती है, क्लाउड के ऊपर। ठीक है, डेटा स्टोरेज एंड प्लस डेटा प्रोसेसिंग, ये दोनों काम हमारे पास आउटसाइड हो रहा होता है। मीन्स ये कि हमारी जो मोबाइल डिवाइस है उसके ऊपर ना हम अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, ना हम अपने डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। डेटा स्टोरेज भी बाहर हो रहा है, डेटा प्रोसेसिंग भी बाहर हो रहा है, और जो हमारा मोबाइल है वो एज अ थिन क्लाइंट काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मीन्स ये कि डेटा स्टोरिंग का काम और डेटा प्रोसेसिंग का काम सब कुछ बाहर हो रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसके लिए हम अपना पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं यहाँ पर। बाकी जितना भी रिमेनिंग काम है वो सब का सब सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लाउड के ऊपर होता है, यानी कि मोबाइल डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और बाकी जितना भी रिलेटेड काम है वो सब हमारा क्लाउड पर होता है। मोबाइल सिर्फ एज अ थिन क्लाइंट काम कर रहा होता है, और वहाँ पर हम सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, वाई मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका जो सबसे अहम बेनिफिट है या सबसे अहम रीज़न है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करने का, एक तो वो है बैटरी लाइफ हमारी सेफ हो जाती है, किसकी, मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, बैटरी लाइफ सेफ हो जाती है। वी ऑल नो कि हमारे मोबाइल की बैटरी कितनी लिमिटेड होती है। अगर हम अपने जो बिग टास्क है उसका डेटा स्टोरेज का काम, डेटा प्रोसेसिंग का काम, सब कुछ अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन पे करेंगे तो वी ऑल नो कि उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी कंज्यूम होती है, तो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट और यूजेज का मतलब ही यही है कि हमें अपनी बैटरी लाइफ सेव करनी है। दूसरा ये, हमें अपने मोबाइल की स्टोरेज को सेव करना है। लाजमी सी बात है, जब सारा का सारा काम क्लाउड पर हो रहा है तो मोबाइल की जो स्टोरेज है वो तो सेफ होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड रीज़न है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने का, वो है हमारे मोबाइल की बैंडविड्थ को सेव करना। ये तो हमने देख लिया कि हम मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ क्यों करते हैं। अब हम कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो उसमें एक आ जाता है हमारे पास मोबाइल कॉमर्स, जिसमें हम ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है हमारे पास यहाँ पर मोबाइल हेल्थ केयर, इट मीन्स कि आपकी रिपोर्ट्स, आपका डेटा सब कुछ अवेलेबल है कहाँ पर, ऑन द क्लाउड, और वहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो विथ योर डॉक्टर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की एक और एप्लीकेशन को देखें तो मोबाइल लर्निंग, मोबाइल गेमिंग, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स, ये सब की सब हमारे पास मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है। अच्छा, इसके बेसिक एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने से हमारी बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, बैटरी लाइफ सेफ रहती है। इसके अलावा ये आपकी रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है इसको यूज़ करना। ठीक है, आपकी डेटा स्टोरेज इम्प्रूव रहती है,
उसकी कैपेसिटी एंड आपका प्रोसेसिंग पावर मोबाइल का इम्प्रूव रहता है। इसके अलावा यहाँ पर डायनेमिक प्रोविजनिंग, स्केलेबिलिटी, ईज़ ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के। अच्छा, जहाँ हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहीं पर कुछ डिसएडवांटेजेस एंड इश्यूज़ की भी बात कर लेते हैं, और वो है हमारे पास लो बैंडविड्थ। अगर आपके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं है तो आप मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर सकते। सर्विस अवेलेबिलिटी का बहुत इशू होता है, अगर आपके पास अच्छी सर्विस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर एक इशू आ सकता है, ठीक है। हेट्रोजीनिटी का इशू होता है यहाँ पर एक, क्योंकि वी ऑल नो हमारे पास सभी नेटवर्क जो है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पर एक इशू आ सकता है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अबाउट मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बेनिफिट्स की बात की, उसके इशूज़ की बात की, उसके एडवांटेजेस, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।